वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारे इंडिया में जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले हैं विजिट करने के लिए, उसको लेकर के एक बहुत ही खास टॉपिक है जिसका नाम रखा गया है नमस्ते ट्रंप। तो इसके बारे में जो आपकी जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इनको लेकर जो भी रिलेटेड बातें हैं वो आएंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से लोग आने वाले हैं, साथ ही साथ ट्रंप के साथ कौन कौन आएंगे और क्या इंडिया और उनके बीच में क्या डील साइन होने वाले हैं, कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए एक स्पेशल बात की, ये जितनी भी चीज़ें आप सभी को बताई जा रही हैं ये सभी आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स अप टू यूपीएससी, यूपीएससी आईएएस के लिए भी जो आपके एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विस वाली, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में ज़रूर किए जाएंगे और बाकी जो एसएससी, रेलवे भी होते हैं, बैंक भी होती है, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मोदी जी, ये इस बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनका स्वागत करेंगे। लास्ट टाइम हमारे मोदी जी गए हुए थे सितंबर के महीने में, जो ह्यूस्टन है यूएस का, ह्यूस्टन वहाँ पे मोदी जी गए हुए थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था यूएस के द्वारा, हाउडी मोदी, ये आपको तो ज़रूर पता होगा, अगर आपने शायद उस वक्त देखा होगा तो ये मोदी जी वहाँ पे गए हुए थे, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था। तो कुछ उसी तरह का प्रोग्राम ये माना जा रहा है कि ये जो नमस्ते ट्रंप होने वाला है, नमस्ते ट्रंप, ये भी इंडिया में काफ़ी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो ट्रंप जी हमारे आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कौन कौन आएंगे, तो ये बात की जा रही है कि उनके साथ में उनकी जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप वो आएंगी, साथ ही साथ यूएस के कुछ और भी डेलीगेट्स आने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन का विजिट होगा इंडिया में और वो 24 फरवरी 2020 को हमारे इंडिया में आएंगे, और साथ ही साथ ये जो हमारा नमस्ते ट्रंप जो आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है मोटेरा स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। तो अब इसके बारे में हम लोग कुछ और ख़ास बातें जानेंगे आगे। ये जो इवेंट है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिवादन समिति, इसे होस्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिवादन समिति के द्वारा। ये जो इवेंट है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो हमारा स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम है, इसका नाम फिर से बदल करके सरदार पटेल स्टेडियम भी रखा गया है, यह होने वाला है। ये जो स्टेडियम है आपका मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, और यहाँ से ही डोनाल्ड ट्रंप पूरे इंडिया को संबोधित करेंगे। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी यूएस प्रेसिडेंट का गुजरात विजिट होगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में। तो जब हमारे देश में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनका एक 22 किलोमीटर के करीब रोड शो होने वाला है स्टेडियम पहुँचने से पहले, जो कि स्टार्ट होगा आपका अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर के, जो कि एंड होने वाला है आकर के आखिरी आपका स्टेडियम जो है मोटेरा स्टेडियम वहाँ पे, और आने के वक्त वो साथ ही साथ वहाँ से साबरमती आश्रम के पास से वो पास होकर के यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो आपका टोटल रोड शो है ये 22 किलोमीटर के करीब होने वाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विजिट है यूएस प्रेसिडेंट का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स भी साइन हो सकती है दो कंट्रीज़ के बीच में। अब कुछ और बातें देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है इसमें कौन कौन और लोग आने वाले हैं जो प्रोग्राम को कुछ और अच्छा बना के रख देंगे, कुछ अपनी जो कलाकृति है, जो कुछ अपने परफॉर्मेंस है वो उनसे प्रोग्राम को शोभा बढ़ाएंगे, तो कौन लोग है वो भी हम लोग देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंडियन कंपोज़र AR रहमान अलॉन्ग विद सिंगर्स सोनू निगम, कैलाश खेर, शान, तो ये हमारे जो कंपोजर्स और सिंगर्स हैं ये स्टेज संभालेंगे। और ये जो इवेंट होगा उसमें कुछ और हमारे जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे ये इस प्रोग्राम इस इवेंट में। और साथ ही साथ एक और हम यहाँ पे बात देखना चाहते हैं, यहाँ बात आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो है उनका जो 2 दिन का जो ऑफिशियल ट्रिप है इंडिया में उसमें वह कुछ और भी जगह जाएंगे, जैसे कि ताजमहल जो आगरा में हमारा, साबरमती आश्रम, साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन, तो ऐसी कुछ जगहों में वो घूमेंगे। तो ये जो विजिट है ये काफ़ी अच्छा विजिट है, इसमें हमें हमारे इंडिया को बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कुछ स्टेडियम के बारे में, कुछ हम लोग बात करते हैं कि स्टेडियम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि ये जो स्टेडियम बताया जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम कहीं नहीं है। और उस स्टेडियम की क्या खासियत है, कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, और कुछ इसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी स्टेडियम में, कि कुछ नई बातें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, ऐसा कुछ आपको ज़रूर लगेगा। तो हम लोग चलिए सीधे स्टेडियम के कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाह रहा था,
स्टेडियम के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी फैसिलिटी है जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में जिन्हें गिना जा रहा है, जिसमें आपका क्लब हाउस है जिसमें 55 रूम होंगे, 55 रूम्स होंगे, एक जिम होगा और एक साथ ही साथ ओलंपिक के साइज का स्विमिंग पूल होगा। ओलंपिक में आपने स्विमिंग पूल जरूर देखा होगा, तो उतने साइज का एक स्विमिंग पूल यहाँ पे होगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि 64 एकड़ में करीब फैला हुआ है। साथ ही साथ इसका जो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है वो करीब 1,80,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे करीब 1.10 लाख स्पेक्टेटर्स यानी कि लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, इतनी सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे। साथ ही साथ गुजरात की जो क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने ये सारी बातें बताई थी कि इतनी सारी चीज़ें जो फैसिलिटी है वो हमारे इस स्टेडियम में है, तो उनके द्वारा ये सारी बातें बताई गई थी। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेडियम है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत पहले से हो रहा था, और पुराना जो स्टेडियम था जो कि 1982 में बना था उसमें सीटिंग कैपेसिटी मात्र 49,000 थी। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ओल्ड वन वाली बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो बिल्कुल आपके किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल तह तक जा करके, गहराई तक जा करके क्वेश्चन करता है कि ओल्ड वाला था तो उसमें क्या था, ये भी पूछा जा सकता है आपको यूपीएससी की ओर से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्टेडियम था पुराना वो 1982 में बना था, जिसमें आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो 49,000 थी। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ज़रूर सुना होगा कि जितने भी सारे स्टेडियम होते हैं उसमें 2 ड्रेसिंग रूम होते हैं, लेकिन इस स्टेडियम की एक खास बात यह है कि इस मोटेरा स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम है, 4 ड्रेसिंग रूम। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात भी है, जिसमें जो प्लेयर होंगे 2 क्रिकेट मैच के लिए यहाँ पे प्लेयर आके आराम से ठहर सकते हैं, और वो आराम से ड्रेसिंग रूम में रह के अपनी जो चीज़ें होती है जैसे ड्रेस वगैरह चेंज करना, अपने टीममेट के साथ बैठ के बातचीत करना, तो आसानी से 2 मैच के लिए टीम यहाँ पे, 4 टीम यहाँ पे आसानी से आकर के ड्रेसिंग रूम में रह सकती हैं। तो ये रही सारी बातें हमारे जो नमस्ते ट्रंप की जो इवेंट होने वाली है उसको लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ के रहना है, सारी चीज़ें आपको पॉइंट करके लिख लेनी है, और आपको हर चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर होकर क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।